शालोम। परमेश्वर का जीवित वचन सुनने के लिए प्रियंका सलोमी चैनल आपका स्वागत करता है। आज का वचन अध्ययन है पत्रस की पत्री, पत्रस की पहली पत्री अध्याय एक। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कब्दुकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर के पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अचर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग के ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर कसकर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जब कि तुम हे पिता कहकर उसे प्रार्थना करते हो, तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इन अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस पर परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो,
क्योंकि तुमने नासमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। अध्याय 2। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है, तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाती हैं, और इसीलिए वे ठहराए भी गए थे, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं में से आत्मा के से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चालचलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्ची न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे,
पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। अध्याय 3। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि तुम में से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी, जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थीं, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। उसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार से के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो। यह समझकर हम दोनों जीवन के वरदान के वारिश हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिश होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, वह अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों के छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, तो धन्य हो। पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुम से तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो। इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग, अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन किए गए हैं। अध्याय 4। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शरीर जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुच्पन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित
मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया है वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करती हैं कि तुम ऐसे भारी लुच्चपन में उनका साथ नहीं देते, इसलिए वे बुरा भला कहती हैं, पर वे उसको जो जीवित और मरे हों का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे, क्योंकि मरे हों को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना करने के लिए सचेत रहो। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराए काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाती हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। अध्याय 5। तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगा कर कर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। उसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारी अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। मैंने सिल्वानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर
तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। इसी में स्थिर रहो, जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, और वह मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुम्बन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय एक। समौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपनी बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इसलिए यद्यप तुम ये बातें जानते हो, जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ, तब तक तुम्हें सुधि दिला दिला कर उभारता रहूँ, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम्हें इन बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। हमारे पास जो भविष्यताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। अध्याय दो। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है
इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुच्चपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँगता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया ताकि वे आने वाली भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना और उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है और वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटकी हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग को ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। अध्याय 3। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिला कर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई है। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे,
उनके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। तो जो वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर का वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन हजार वर्ष के बराबर है और हजार वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबका मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस आज्ञा के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के माध्यम के द्वारा बहुत आशीष दे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करें, और आप अपनी प्रार्थनाओं को हमें अपनी कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जय मसीह की।